नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रोजगार समाचार के बारे में बात की जाएगी और जो विभिन्न प्रकार की भर्ती के जो समाचार हैं अखबार पत्रों पर जो छाए हुए हैं उनके बारे में बात की जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग गई है, इंटरव्यू पर रोक लगा दी गई है। जैसा कि मैंने कल बताया था आपको वीडियो पर कि रोक लग सकती है इस पर। टीजीटी पीजीटी 2016 का रिजल्ट जल्द आने आएगा, इसका आश्वासन मिला है और नई भर्ती भी आएगी। एसएससी सीजीएल टायर 2 की परीक्षा 17% ने छोड़ दी है। एमटीएस के आंसर की डेट बढ़ गई है, अब आंसर की और आपत्ति की दोनों की डेट बढ़ा दी गई है। सीजीएल 1 का परिणाम जो कल आना था वो नहीं आया, आ जाएगा। दरोगा भर्ती परिणाम रद्द, 70% की ज्वाइनिंग हो चुकी है इसमें। संविदा कर्मियों को मिलेगा नियमित कर्मियों के बराबर वेतन, संविदा कर्मियों की दिवाली अच्छी बीतेगी ऐसा केंद्र सरकार ने वादा किया है। पीजीटी की नई भर्ती 3827 पद। तो दोस्तों, हर एक खबर के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको इस तरह के वीडियो डेली मिलते रहेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों वीडियो की। दरोगा भर्ती परिणाम रद्द, 2707 पदों में से 2181 पर हो चुकी है नियुक्ति। हाईकोर्ट ने बिना परीक्षा नई सूची जारी करने का दिया आदेश। जो रिजल्ट निकाला गया था उसमें ही गलती थी, परीक्षा दोबारा नहीं होगी और उसी पे दोबारा रिजल्ट निकाला जाएगा। फायर ब्रिगेड में उप निरीक्षकों की भर्ती के लिए 28 फरवरी को घोषित परिणाम नियम विरुद्ध करार देते हुए रद्द कर दिया गया है। कोर्ट ने शिकायतें और विसंगतियां दूर कर नए सिरे से बिना परीक्षा के लिए चयन सूची बनाने का आदेश दिया है और ये उत्तर प्रदेश में ऐसा होता रहता है, कई बार बदल चुका है परिणाम। पुलिस भर्ती बोर्ड ने 17 जून 2016 को 2727 पुलिस उप निरीक्षक, पीएसी प्लाटून कमांडर, फायर फाइटिंग ऑफिसर पदों की भर्ती निकाली थी। भर्ती 2015 की नियमावली के तहत की जानी थी, इसमें 2181 को चयनित किया गया था। तमाम विसंगतियों के कारण कई बार चयन परिणाम बदलना पड़ा। अंतिम चयन सूची इसी साल 28 फरवरी को जारी हुई। अक्सर ऐसा होता रहता है। केंद्र के 10 लाख अनियमित कर्मियों को सामान्य काम के लिए सामान्य वेतन मिलेगा। ये केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि 10 लाख अनियमित कैजुअल्स, जिनको संविदा कर्मी बोलते हैं, के लिए अच्छी दीपावली का प्रबंध कर दिया है और उनको जो अभी 14,000 के आसपास वेतन मिलता है। दिल्ली सरकार देखिए यहाँ पे 14,000 वेतन देती है, तो दिल्ली सरकार को अब 30,000 वेतन देना पड़ेगा, उनकी आमदनी दुगनी हो जाएगी। लेकिन ये कैजुअल्स ये ना माने कि इनकी नौकरी जो है ये पक्की हो गई है, इनको खाली इनका वेतन बढ़ाया गया, क्योंकि सामान कार्य के लिए सामान वेतन की बात की गई है। डीएलएड की 1 लाख सीटों पर सीधे प्रवेश होगा, 12 से 16 सितंबर तक प्रवेश होगा। और कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं? पहले चरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से ही तीसरे चरण में सीधे प्रवेश के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। डीएलएड प्रशिक्षण 2019 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले से अभ्यर्थी जो पहले और दूसरे चरण में ऑनलाइन काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए हैं, जिन अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की काउंसलिंग में प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प देने के बाद भी प्रशिक्षण संस्थान आवंटित नहीं हुआ, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रशिक्षण संस्थान आवंटित हुआ था लेकिन उन्होंने 10,000 रुपये जमा नहीं किए, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 10,000 शुल्क भी जमा कराए लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं मिला। आयोग अध्यक्ष ने कह दिया है कंप्यूटर पर ही होगी आरओ एआरओ की टाइपिंग। और सहायक सांख्यिकी अधिकारी के अभ्यर्थियों ने आयोग अध्यक्ष से मिलकर रखी है अपनी बात। साक्षात्कार के बाद प्रमाण पत्रों की जांच से बाहर हो गए दावेदार। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से मुलाकात करने आए कई अभ्यर्थियों ने सहायक सांख्यिकी अधिकारी के परिणाम पर सवाल उठाए। मुलाकात के दौरान एक अभ्यर्थी ने आयोग अध्यक्ष से पूछा कि आखिर साक्षात्कार के बाद बड़ी संख्या में पद खाली क्यों रखे गए। इस पर आयोग अध्यक्ष ने बताया कि उनकी मंशा तो पूरे पदों को भरने की थी, किंतु साक्षात्कार के बाद रिजल्ट घोषित करने से पहले सभी सदस्यों का मत था कि परीक्षार्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच पूरी करवा ली जाए। जांच में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र पर आपत्ति के बाद उन्हें अंतिम चयन से बाहर कर दिया गया। मुलाकात के बाद अभ्यर्थियों का कहना था कि परीक्षा पास करने, साक्षात्कार देने और उसके बाद अंतिम चयन न होने और पद खाली छोड़ देने से पूरी भर्ती प्रक्रिया को घेरे में खड़ी होती है। परीक्षार्थियों का कहना था कि 6 वर्ष के इंतजार के बाद जब परिणाम आया तो वह
निराश करने वाला है। सवाल उठाने वालों में प्रभाकर, जावेद, नेहा, हिमांशु, नागेश सहित कई अभ्यर्थी शामिल थे। सहायक प्रोफेसर की भर्ती पर रोक लगा दी गई है इसके इंटरव्यू पर, इसकी आशंका मैंने कल ही बताई थी आपको। ओबीसी एससी एसटी अभ्यर्थियों की शिकायत पर सामाजिक न्याय मंत्रालय ने लिया है फैसला। और जैसा कि आपको बताया था कि आयोग में शिकायत गई थी कि मेरिट में कट ऑफ जो है, कट ऑफ के नंबर इनके है उसके पूरे, उसके बाद भी इनको साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया है। रिजल्ट घोषित करने वाली भर्ती की मांग को लेकर टीजीटी और पीजीटी के छात्रों ने धरना दिया। सीजीएल 2018 टीयर 2 में 17% परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। 83.62% छात्र ही उपस्थित हुए और ये परीक्षा यूपी बिहार मध्य क्षेत्र, जिसमें यूपी और बिहार आता है, वहाँ की न्यूज है ये। 17% लोगों ने सीजीएल 2 की परीक्षा छोड़ दी है। पीजीटी की एक नई भर्ती आपका इंतजार कर रही है। 3,827 पद हैं और इसमें शैक्षिक योग्यता 10वीं 12वीं में संस्कृत या हिंदी में से एक विषय एवं अन्य योग्यताएं होनी चाहिए। अधिकतम एज 42 साल और आवेदन शुल्क 500, 125 और 75 अलग अलग कैटेगरी के लिए हैं ये। ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। वेबसाइट है hssc.go.in। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की वैकेंसी है ये। प्रवक्ता 2016 की लिखित परीक्षा का परिणाम बहुत ही जल्द घोषित किया जाएगा, ये प्रयागराज की न्यूज है। छात्रों ने घेराव किया था, उसके बाद उनको आश्वासन दिया गया है कि इसका रिजल्ट बहुत ही जल्द जारी किया जाएगा। बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार ने प्रतियोगियों को आश्वासित किया कि प्रवक्ता 2016 की लिखित परीक्षा का परिणाम जल्द घोषित किया जाएगा, इसके बाद टीजीटी का रिजल्ट जारी किया जाएगा। वहीं 2019 की भर्ती का विज्ञापन 30 अक्टूबर तक जारी किया जाएगा, तो एक बड़ी खबर है ये। और एसएससी ने बढ़ाई उत्तर कुंजी देखने की तारीख। उत्तर कुंजी जो एसएससी एमटीएस की जो परीक्षा हुई थी उसकी उत्तर कुंजी देखने की तारीख अभ्यर्थियों को 11 सितंबर की शाम 6 बजे तक उसे आयोग की वेबसाइट पर देख कर प्रिंट लेकर कुछ गड़बड़ी होने पर शिकायत करने की छूट दी गई थी, लेकिन अब ये 7 सितंबर को आयोग की सर्वर की गड़बड़ी की शिकायत मिली थी, इसलिए इसको 12 सितंबर की शाम 6 बजे तक का कर दिया गया है। एक दिन का टाइम पूरा बढ़ा दिया गया, आज शाम तक आप उसको कर सकते हैं। सीजीएल टायर 1 का रिजल्ट 2018 परीक्षा का जो कल घोषित होना था नहीं हो पाया था, वो आज घोषित होगा। तो दोस्तों ये थी आज की मुख्य खबरें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।